ऑस्कर में नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, विश्व गुरु बनने का सपना और 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का दावा। एक तरफ भारत को विश्व में एक अलग पहचान दिलाता है तो वहीं दूसरी तरफ भारत की एक ऐसी भी तस्वीर है जिसे देखने के बाद अफसोस होता है कि आज़ादी के 70 सालों बाद भी भारत में बहुत से गाँव ऐसे हैं जहाँ बुनियादी सेवाएँ अभी तक नहीं पहुँच सकी। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये ऐसी समस्याएं हैं जिससे आज भी हिंदुस्तान के बहुत से गांव महरूम। लेकिन कागजों पर सरकारों द्वारा बड़े बड़े वादे और दावे कर दिए जाते हैं और मीडिया के द्वारा भी ऐसे मुद्दों को नहीं उठाया जाता है क्योंकि ऐसी खबरों में TRP नहीं मिलती। इसलिए दिन भर TV डिबेट में हिंदू मुसलमान का मुद्दा छाया रहता है। आज भी हमारे देश में कई गाँव में पीने को पानी नहीं है। आज भी कई गाँवों तक बिजली की पहुँच नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो मीलों पैदल सफर तय करके स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचा जाता है। ऐसे में कई लोगों की रास्ते में ही जान चली जाती है। आज भी आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारे देश में बड़ी संख्या में छोटे नौनिहालों की स्कूल तक पहुँच नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही गांव के बारे में बताएंगे जहां पानी की किल्लत ऐसी है कि वहां के नौजवानों की शादी तक नहीं हो रही है। कोई भी अपनी लड़की की शादी इस गांव में नहीं करना चाहता है। इस गांव में 15 लीटर पानी में आपको 3 दिन गुजारने पड़ते हैं। वो भी पानी आपको कार्ड दिखाकर मिलता है, जैसे हम राशन के लिए राशन कार्ड दिखाते हैं। ये गाँव कोई और नहीं बल्कि UP में मिर्ज़ापुर का लहुरियादह गाँव है। गांव में पानी की किल्लत को देखते हुए टैंकर से जलापूर्ति की जाती है। ये भी 3 दिन में एक बार ही आता है। टैंकर से एक व्यक्ति के हिसाब से सिर्फ 15 लीटर पानी ही दिया जाता है। इसके लिए लोगों को टैंकर का इंतजार करना पड़ता है। पानी के लिए पुरुष इंतजार करते हैं तो काम छूट जाता है। वे काम पर जाते हैं तो पानी का जुगाड़ करना मुश्किल हो जाता है, लिहाजा अधिकतर महिलाएँ ही पानी की व्यवस्था का जिम्मा संभालती हैं। कई बार यहाँ झगड़े भी हो जाते हैं। वहीं अगर आपको 15 लीटर से ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो तो आपको एक झरने तक जाना होगा। वहाँ से पानी को भरकर सिर पर लाद कर घर तक लाना होगा। पानी की ऐसी किल्लत देख लोग अपनी बेटियों की शादी इस गांव के लड़कों से नहीं करते हैं। इसलिए ज़्यादातर गाँव में कुंवारे लड़के इधर उधर भटकते हैं। ज़िला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर बसा हलिया विकासखंड का लहुरियादह गांव पिछले इलाके में शामिल है। जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर बसा हलिया विकासखंड का लहुरियादह गांव पिछड़े इलाके में शामिल है। यहां की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इस गांव की आबादी करीब 2000 है। गांव के लोगों को कार्ड से ही राशन मिलता है और कार्ड से ही पानी की सप्लाई की जाती है। फर्क बस इतना है कि राशन हर महीने 3 किलो मिलता है और पानी हर रोज 5 लीटर मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग किस तरह से बुनियादी सुविधा से महरूम हैं और उन्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जल ही जीवन है और जब पानी की ऐसी किल्लत हो तो लोग कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। गाँव की समस्या पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके आप हमें अपनी राय जरूर दीजिए।